नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार ई सफलता ऑनलाइन कोचिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम प्रैक्टिस सेट हिंदी का जो छूट गया था उसको पूरा किए ले रहे हैं। प्रैक्टिस सेट हिंदी का मैंने पहला नहीं कराया था, केवल जीएस कराया था। तो आइए आज हम प्रैक्टिस सेट फर्स्ट प्रैक्टिस सेट को पूरा किए ले रहे हैं। तो जिसका छूटा है वो 51 नंबर से आज लगाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्रश्न 51। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है? रामचंद्र शुक्ल, नलिन बिलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, बताइए। 51 का सी सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल इन्होंने लिखा। नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले विद्वान हैं मिश्रबंधु, रमाशंकर शुक्ल रसाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, बताइए। 52 का 20 सही है, रमाशंकर शुक्ल रसाल। 53 वर्णानुक्रम, वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? ए 252 वैष्णव की वार्ता, बी इस्तवार दला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी, सी 84 वैष्णव की वार्ता, डी कवि माला, बताइए। 53 तो 53 का आपका बी सही है, इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी। प्रश्न आइए 54 देखते हैं। 54 नंबर का प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न 54 ये लीजिए। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी पुस्तक के लेखक, बताइए। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी पुस्तक के लेखक हैं निर्मल जैन, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, बच्चन सिंह। 54 का आपका बी सही, नंद दुलारे वाजपेयी। 55 इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? भविष्यत कहा, योगसार, परमात्म प्रकाश, पाहुण दोहा। 55 का ए सही है, भविष्यत कहा। प्रश्न 56 दब सहाय प्यास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की? आसगु, शालिभद्र सूरी, देवसेन, जिन धर्म सूरी, बताइए। 56 का आपका सी सही है, देवसेन। प्रश्न 57 अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अबुल हसन, अबुल कलाम, मलिक मुहम्मद जायसी, अबुल हसन, एक जगह अबुल रहमान है यहाँ पर, बताइए। 57 का डी सही है, अबुल हसन। प्रश्न 58 पायो जी मैंने राम रतन धन पायो प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम है? सूरदास, कुंभनदास, मीराबाई, तुलसी। 58 का आपका सी सही है, मीराबाई। 58 के बाद देखते हैं 59 रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? ए वेली कृष्ण रुक्मणी, चतुर्भुजदास,
बी ध्यान मंजरी अग्रदास, सी बरवह नायिका भेद रहीम, डी भक्तमाल नाभादास। बताइए 59 का आपका ए सही है, बेली कृष्णन रुक्मणी चतुर्दास, ये गलत है। आइए प्रश्न 60 देखते हैं। 60 मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है, नाथ साहित्य, उपनिषद, अद्वैत दर्शन, जैन साहित्य। 60 का आपका ए सही है, नाथ साहित्य। प्रश्न 61 अंगद पैज की रचना किसने की है, नाभादास, धरणीदास, ईश्वरदास, मलुकदास। 61 का आपका सी सही है, ईश्वरदास। प्रश्न 62 कृष्ण गीतावली किसकी रचना है, सूरदास, नाभादास, तुलसीदास, मीराबाई। 62 का आपका सी सही है, तुलसीदास। 63 निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है, मीराबाई, रसखान, सूरदास, विद्यापति। 63 का सी सही है, सूरदास। प्रश्न 64 केशोदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है, विज्ञान गीता, रतन बावनी, रसिक प्रिया, कवि प्रिया। 64 का डी सही है, कवि प्रिया। प्रश्न 65 निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की है, रसराज, कवित्र रत्नाकर, राम रसायन, भाव विलास। 65 का आपका बी सही है, कवित्र रत्नाकर। 66 रामचंद्रिका का रचना समय है 1501 ईस्वी, 1601 ईस्वी, 1801 ईस्वी, 1701 ईस्वी। 66 का आपका बी सही है, 1601 ईस्वी। 67 सीखी नीलो मीन मृग खंजन कमल नयन, असीख लीनो जस औ प्रताप को कहानी है, ये पंक्तियां किस कवि की हैं। आइए आगे कवि देखते हैं। ये लीजिए आपके ऑप्शन, आपको 67 का बताना है कि ए सही है, ठाकुर, घनानंद, द्विजदेव, मतिराम। बताइए 67 का ए सही है, ठाकुर। प्रश्न 68 निम्नलिखित में से कौन सा मति राम का ग्रंथ नहीं है, रसराज, रसविलास, ललित ललाम, छंद सार। 68 का बी सही है, रसविलास। प्रश्न 69 इनमें कौन सा ग्रंथ चंद्र लोक की छाया है, काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु, भाषा भूषण, कवि प्रकाश। 69 का आपका सी सही है, भाषा भूषण। प्रश्न 70 भाषा संबंधी सभा के संस्थापक थे, भाषा संवर्धनी है, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे, ए भारतेंदु हरिश्चंद, महात्मा गांधी, बाबू तोताराम, प्रेमचंद्र। बताइए 70 का सी सही है, बाबू तोता राम। प्रश्न 71 समालोचन नादर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिज्म का अनुवाद किसने किया, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रमेश कुंतक।
मेघ बताइए। 71, 71 का आपका सी सही है, जगन्नाथ रत्नाकर। प्रश्न 72, मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंधित है बताइए। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध गीत। 72, 72 का डी सही है, सांध गीत। प्रश्न 73, निम्न में कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है, शोषण का विरोध, कल्पना, प्रणवता, व्यंग प्रधानता, श्रम का संदर्भ बताइए। 73, 73 का बी सही है, कल्पना, प्रवणता बताइए। नेक्स्ट 74, गीत फरोश किसकी रचना है, धर्मीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, हरि नारायण व्यास, हरिवंश राय बच्चन बताइए। 74, 74 का बी सही है, भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न 75, आइए 75, निम्नलिखित में क्या नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है, क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता, भी जीवन मूल्यों के प्रति स्वीकारात्मक दृष्टि, सी जीवन के प्रति आस्था, डी जीवन को पूर्ण स्वीकार करके उसे भोगने की लालसा। 75, 75 का ए सही है, क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता। नेक्स्ट 76, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं 44, 33, 52, 48 बताइए। 76 का सी सही है, 52। 77, या रा ला वा किस प्रकार के व्यंजन हैं, ऊष्म, अंतस्थ, स्पर्श, अयोग्वाह बताइए। 77, 77 का बी सही है, अंतस्थ। 78, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए, ए सही है इसका कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है बताइए। 78, 78 का ए सही है, पूर्ण विराम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, अध्ययन, 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 अध्य बताइए। तो 79 का आपका सी सही है, 80। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उत्श्रृंखला आती है, रेखांकित शब्द को शुद्ध कीजिए, इसका ए सही है, बी सही है, सी सही है कि डी सही बताइए। 80, 80 का आपका सी सही है। प्रश्न 81, निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है, सन्यासी, ये सॉरी सन्यास, प्रत्युपकार, दुरावस्था, कैलाश। 81,
81 का ए सही है संन्यास। प्रश्न 82 आइए ये लीजिए। प्रश्न 82 संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। 82 का ए सही है व्यक्तिवाचक। 83 निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? कौवा, होली, हिमालय, पर्व। 83 का ए सही है कौवा। 84 निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहने हैं, बताइए। 84 का बी सही है मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। आइए 85 प्रश्न। यह मकान मेरे भाई का है रेखांकित पद है। संज्ञा संकेत वाचक सर्वनाम विशेषण, विशेषण क्रिया विशेषण, बताइए। 85 का बी सही है संकेत वाचक सर्वनाम विशेषण। प्रश्न 86 विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3, 4, 6, 2। 86 का बी सही है 4। प्रश्न 87 कुछ बच्चे इधर आओ वाक्य में विशेषण पहचानिए। गुणवाचक, परिणामवाचक, संकेतवाचक, संख्यावाचक। 87 का डी सही है संख्यावाचक। 88 किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं काल, संख्या, क्रिया, विशेषण। 88 का सी सही है क्रिया। प्रश्न 89 क्रिया के मूल रूप को डेडेस कहते हैं। धातु काल काम पुरुष काल, बताइए। 89 का आ सही है यानी ए धातु। 90 प्रश्न 90 आजकल मौसम बदलने लगा है रेखांकित पद का पद परिचय होगा। ए विशेषण मौसम विशेष का विशेषण पुल्लिंग एक वचन। ब रीति वाचक क्रिया विशेषण है क्रिया का विशेषण। सी कालवाचक क्रिया विशेषण बदलने लगा है क्रिया का विशेषण है। डी कालवाचक क्रिया विशेषण लगा क्रिया का विशेषण है, बताइए। 90 का आपका सी सही है। प्रश्न 91 धावक तेज गति से दौड़ते हैं वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? स्थानवाचक, परिणामवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक। 91 का बी सही है परिणामवाचक। 91 तेज गति से दौड़ते हैं तो इसमें आपका पूछा गया है तेज गति तो परिणामवाचक। नेक्स्ट 92 दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? विधुराइन, विधुरी, विधवा, विधुरनी। 92 का आपका सी है विधवा। 93 निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है प्राण, दर्शन, ओंठ, तेल।
तिरानवे, तिरानवे का डी सही है तेल। चौरानवे, निम्नलिखित एक सेकेंड, चौरानवे कहाँ गया, हाँ ये लीजिए चौरानवे। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है? सोना, सोना, यहाँ पे देखिए बी में है धेनु, धुनिये में, सी में है छात्र, छात्रगण, और डी में है आटा, आटे। चौरानवे, चौरानवे का आपका डी सही है आटा, आटे, डी सही है। नेक्स्ट पंचानवे, ये लीजिए पंचानवे। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। पंचानवे, पंचानवे का डी सही है अधिकरण। प्रश्न छियानवे, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। छियानवे, छियानवे का आपका सी सही है कर्म कारक। नेक्स्ट संतानवे, संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता वे डेड डेड शब्द कहलाते हैं। तत्सम, सरल, उद्भव लिखा है लेकिन तद्भव होना चाहिए, कठिन बताइए। संतानवे, संतानवे का आपका ए सही है तत्सम। अंठानवे, इनमें से तद्भव है वानर, बंदर, पवन, पर्यंक, तद्भव पूछा गया है। अंठानवे, अंठानवे का बी सही है बंदर। निन्यानवे, उपसर्ग को कहते हैं शब्दांश, वाक्यांश, शब्द, पद। निन्यानवे, निन्यानवे का ए सही है शब्दांश। प्रश्न सौ, ला प्रत्यय है, कर्ता कारणी कारकीय, कर्म कारकीय, करण कारकीय, संप्रदान कारकीय। सौ, सौ का आपका ए सही है कर्ता कारकीय। 101, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? अमर, मर्त, विश्व, वेश। 101, 101 का डी सही है वेश। 102, ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है मुक्त, सुस्त, लुप्त, ग्राह। 102, 102 का ए सही है मुक्त। 103, आइए 103 देखते हैं। 103, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। ये पहला कथन है, हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। दूसरा, पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। तीसरा, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। केवल एक सही, केवल दो सही, एक, तीन सही, दो और तीन सही बताइए। 103, 103 का डी सही है दो और तीन सही है, दूसरा और तीसरा सही है। नेक्स्ट 104, तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तमाशा, प्रकाश, रस्सी, अंधकार। 104, 104 का आपका डी है अंधकार। 105, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता पत्ता, पत्र, चिट्ठी,
लेख 105, 105 का डी सही है, लेख। नेक्स्ट 106, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? जंगल, दूसरा बी में दिया है वन, अरण्य, सी में और डी में आपका दिया है कानन, बताइए। 106, 106 का आपका बी सही है, वन। नेक्स्ट प्रश्न 107, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? न्याय अन्याय, धरा पृथ्वी, अचल अचला, मान अपमान, बताइए। 107, 107 का सी सही है, अचल अचला। 108, असक्त का अर्थ डेड डैश होता है, परंतु असक्त का अर्थ शक्ति विहीन होता है, ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द है, हानि, विरक्त, प्रभावशाली, दुष्प्रभाव। 108, 108 का आपका बी सही है, विरक्त। 109, 109 अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनिए, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, जो नियमानुकूल ना हो, सी जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, डी जिसका निवारण ना हो सकता हो, जिसका निवारण ना हो सकता हो, बताइए। 109, 109 का आपका बी सही है, जो नियमानुकूल ना हो। नेक्स्ट 110, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं अनामी, अनामिका, 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 बताइए। 110, 110 को डी सही है, 110 का डी। 111, 111 संधियां तीन प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अनुस्वार संधि। 111 का आपका डी है, अनुस्वार संधि, ये संस्कृत में होती है, हिंदी में नहीं होती। 112, पितृ प्लस अनुमति का सही संधि पद है, पित्रानुपति, पितृनुपति, पितृनुमति, पित्रानुमति, बताइए पितृ प्लस अनुमति का संधि पद क्या होगा? 112, 112 का आपका सी सही है, पित्रानुमति, सॉरी पितृनुमति दिया है इसमें, लेकिन सही होना चाहिए पित्रानुमति, क्योंकि यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, हाँ पितृनुमति होगी। नेक्स्ट 113, इसको चेक कर लीजिएगा। 113, निम्न प्रश्न समास से संबंधित हैं, सुमेलित करें, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर पहचानिए। सूची एक, सूची दो, यहाँ शब्द है, यहाँ समास है, आइए देखते हैं। ये लीजिए पूरा मैंने प्रश्न आपको दिखा दिया। ए, विदेश गमन बहुव्रीहि, गिरिधर तत्पुरुष, विदेश देश विदेश अव्ययीभाव, यथाशीघ्र द्वंद्व, मिलान करना है आपको, मिलान कीजिए। 113, 113 का आपका सी सही है, तो इसको आप मिलाइएगा। नेक्स्ट 114, शोकाकुल में समास है, तत्पुरुष, कर्मधार है, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव। 114 का आपका ए सही है, तत्पुरुष। 115,
वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? 2, 3, 6, 8, 115 का ए सही है, 2 प्रकार से। 116, निम्नलिखित वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। उसने कहा कि मैं विदेशी हूँ। आइए आगे देखते हैं। पहला ऑप्शन, दिए गए वाक्य में परिवर्तन संभव नहीं है। बी, उसने अपने आप को विदेशी बताया। सी, उसने अपने आप को विदेशी बनाया। डी, वह बोला कि वह विदेशी है। बताइए। 116 का बी सही है, उसने अपने आप को विदेशी बताया। 117, यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। इस वाक्य की अशुद्धि दूर करने के लिए निम्न में से सही वाक्य पहचानिए। ए, यह यहाँ करीब कोई 2 दर्जन संतरे हैं। बी, यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। सी, यहाँ लगभग 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। डी, यहाँ कोई 2 दर्जन के करीब संतरे। बताइए। 117 का बी सही है, यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। नेक्स्ट, 118, साहित्य में रस का क्या अर्थ है? साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। बताइए। 118 का डी सही है, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। 119, हास रस का स्थायी भाव है, हास रति रौद्र विवत्स। 119 का ए सही है, हास। 120, निम्न में से कौन वर्णिक छंद है? दोहा, चौपाई, सवैया, रोला। 120 का सी सही है, सवैया। प्रश्न 121, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है, बरवै, सोरठा, चौपाई, रोला। 121 का बी सही है, सोरठा। हाँ, थोड़ी तबीयत खराब है तो एडजस्ट करिएगा। 122, अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अलंकारों से काव्य संदर्भ में वृद्धि होती है। बी, अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। सी, अलंकार काव्य संदर्भ उत्पन्न करते हैं। डी, अलंकारों से वाक्य में रोचकता और प्रभाव विशुद्धता आती है। एक सौ बाईस का सी सही है, अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। 123, जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वहाँ कौन सा अलंकार कहलाता है? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, अलंकार केवल। 123 का बी सही, अर्थालंकार। 124, उसने तो मेरी आंखें खोल दी, रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा भ्रम को दूर करना, किसी बात पर ध्यान न देना, स्वागत के लिए राह देखना, अंधकार दूर करना। 124 का ए सही है, भ्रम को दूर करना। 125, आग लगने पर कुआं खोदना, लोकोक्ति का सही अर्थ है,
जल्दी से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, मुसीबत आने से घबरा जाना, कुआं खोदकर पुण्य कमाना। 125 का भी सही है, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। 125 के बाद देखेंगे 126। प्रश्न 126, एक सेकेंड, 126। पृथ्वी राज रासो किस कवि की रचना है? सारंगधर, नरपतिनाल, चंद्रवरदाई, जगनिक। 126 का आपका सी सही है, चंद्रवरदाई। 127, तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? मथुरा, काशी, राजापुर, प्रयाग। 127 का सी, राजापुर। प्रश्न 128, जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत। 128 का आपका बी सही है, मैथिली शरण गुप्त। 129, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मूल स्थान कहाँ पर है? वाराणसी, इलाहाबाद, कौशाम्बी, मथुरा। 129 का आपका बी सही, इलाहाबाद, क्योंकि वह तोड़ती पत्थर में इलाहाबाद आता है। नेक्स्ट 130, किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार M.T. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मलयालम, तमिल, उर्दू, कन्नड़। 130 का आपका ए सही है, मलयालम। प्रश्न 131, मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देव पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार या साहित्य अकादमी पुरस्कार? 131 का डी सही है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। प्रश्न 132, इनमें से कौन सी रचना रंगे रागों की नहीं है, बताइए? इनमें से कौन सी रचना रंगे राघो की रचना नहीं है? अधूरी मूरत, जीवन के पहलू, देवदासी, साम्राज्य का वैभव। 132 का बी सही है, जीवन के पहलू। नेक्स्ट 133, निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? राजी सेठ, शिवानी, कृष्णा सोबती, अमृता प्रीतम। 133 का ए सही है, राजी सेठ। नेक्स्ट 134, गबन किस रचनाकार की रचना है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। 134 का सी सही है, मुंशी प्रेमचंद। 135, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद, भीष्म साहनी। 135 का आपका सी सही है, भारतेंदु हरिश्चंद। 136, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंगकार हैं मैथिली शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, हरिवंश, हरिशंकर परसाई, बताइए। 136 का डी सही, हरिशंकर परसाई। 137, राम वृक्ष बेनीपुरी का रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा
से संबंधित हैं। यात्रा वृत्तांत, उपन्यास, रेखाचित्र, नाटक, बताइए बताइए। 137 का आपका सी सही है, रेखाचित्र। प्रश्न 138 ये लीजिए। भारतेंदु भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है, पहचानी है। आनंद कादम्बनी, हरिश्चंद मैगजीन, बाला बोधनी, कवि वचन सुधा। 138 का आपका ए सही है, आनंद कादम्बनी। नेक्स्ट 139, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भाषा है संस्कृत, हिंदी, गुजराती, मराठी, बताइए। 139 का बी। प्रश्न 140 आइए, प्रश्न 140 देखते हैं। उन्नीसवीं सती में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अमीर खुसरो, ग्रियर्सन, सदल मिश्र, मिश्र बंधु, बताइए। 140 का आपसे सी सही है, सदल मिश्र। 141, आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, काव्य संकलन। 141 का बी सही है, नाटक। आइए 142 देखते हैं। भारतेंदु कालीन किस उपन्यास ने आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु, 100 अनजान, 100 जान, चंद्रकांता। 142 का बी सही है, परीक्षा गुरु। 143, उसने कहा था कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद, रामवृक्ष बेनपुरी, चंद्र शर्मा गुलेरी, वृंदावन लाल वर्मा। 143 का सी, चंद्र शर्मा गुलेरी। 144, भोला राम का जीव, ये लीजिए। भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, व्यंग। 144 का ए सही है, निबंध। 145, निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर विरचित है? ए, अपनी धरती अपने लोग, जलती हुई नदी, सी, परी पर्वत, जी चूठन, बताइए। 145 का बी सही है, जलती हुई नदी। आइए प्रश्न 46 के लिए देखते हैं। इसमें निर्देश दिया गया है आपको गद्यांश को पढ़ना है, गद्यांश आप रोक के पढ़िएगा रोज की तरह, तो इसको मैं दिखाई दे रहा हूँ। इसके बाद ये प्रश्न है आपका। प्रश्न देखिए, कला और जीवन अन्योन्य स्थित है का तात्पर्य क्या है? जीवन में दोनों उपयोगी एक दूसरे से पृथक, एक दूसरे पर आश्रित, किसी अन्य तत्व पर आश्रित। 146 का आपका सी सही है, एक दूसरे पर आश्रित। ये 47 के लिए दिया हुआ है आपका पद्यांश है इस बार, तो इसको देखिएगा काव्यांश को, और इसके बाद आगे भी दिया है, यहाँ से भी देखिए, ये लीजिए, रोक कर देखिएगा। इसके बाद ये 47 नंबर का प्रश्न है, नगपति का विग्रह और समास होगा
रत्नों यानी नग का पति तत्पुरुष, नगों यानी पर्वतों का पति जो कर्मधार है, नगों पर्वतों का पति तत्पुरुष, नगों का पति जो ऐसा यानी बहुब्री। 147 का आपका सी सही है। प्रश्न 148 के लिए ये गद्यांश पढ़ना है आप लोगों को, इसके बाद इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर आंसर देना है। विनिमय का अर्थ है आना जाना, लेना पहुँचाना, देना खरीदना, लेना देना। 148 का आपका डी सही है, लेना देना। इसके बाद 149 का प्रश्न या अनुच्छेद आपको पढ़ना है। इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद आप आंसर देंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ये लीजिए, यहाँ से रोक के पढ़िएगा, इसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ, ये 149 नंबर का प्रश्न। न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं में खुले का अर्थ क्या होता है? बहुत खुले स्थान में रहना, बिना दुराव छिपाव के बात करना, सी व्यापक रूप से सोचने वाले, डी खुले तौर पर काम करने वाले। 149 का आपका बी सही है। अब 150 में अनुच्छेद दिया है, इसको भी आपको पढ़ना है, रोक रोक के पढ़िएगा। आइए प्रश्न देखते हैं। 150 अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आगे ए शिक्षा देना संभव है, बी शिक्षा देना संभव नहीं है, सी शिक्षा विद्यालय में मिलती है, डी शिक्षा परिवार में मिलती है। 150 का ए सही है, ये अनुच्छेद के अनुसार पे प्रश्न था। तो ये थे 100 प्रश्न आज हिंदी के, जो प्रैक्टिस सेट पहला हमने कराया था उसमें केवल जीएस कराया था और हिंदी नहीं कराई थी। तो आज मैंने इसको कंप्लीट करा दिया, तो आप इसको सेट करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए आप हिंदी में कितने सही करते हैं 100 में, क्योंकि 90 या 95 आपके कम से कम सही होना चाहिए हिंदी में, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे जूनियर असिस्टेंट शिक्षक भर्ती में। तो आज के लिए यहीं तक, इसके बाद मैं अगला भाग लेकर आऊँगा या अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, क्योंकि 8वां कराया नहीं गया, 8वां कल कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।